इतना सारा असला? ये क्या है छोटे सरदार? बारूद। पर आपको कैसे पता? एक बार किसी फ्रांसीसी अफसर ने पिताजी को तोहफे में बंदूक के साथ बारूद भेजा था और पिताजी ने उसे मिठाई के साथ वापस कर दिया। पर ये यहाँ भेजा किसने? भेजा किसी ने भी, पर अब कम हमारे आएगा। रुको, पहले इस गाड़ी का मुआयना होगा। हाँ बिल्कुल करिए मुआयना, पर याद रहे इसमें कुछ हथियार ऐसे हैं जो गर्मा गए, इन्हें अभी अंदर छाव में ले जाना हो। अगर ये खराब हुए तो हुजूर की बेंत का सामना आप दोनों को करना होगा। ठीक है जाओ। अरे जनाब जनाब जनाब, इधर आइए। क्या है? वैसे इस असले के अलावा भी हमारे पास कुछ है। आए। पहले पड़ाव में सभी योद्धा घुड़सवार युद्ध में भाग लेंगे। जो कोई इस पड़ाव को बखूबी निभाएगा वही अगले पड़ाव में जा पाएगा। अपना हुनर दिखा दे गुलाब। मां सिंह जी, गुलाब भी थोड़ा पुत्र जैसा है, उसके लिए अरदास जरूर कीजिएगा। सदा गौर पर जाए जी। सदा गौर है? खुद पर काबू रख, हम मेहताब कौर को अभी लेकर आएंगे, तू चल मेरे साथ। डरिए नहीं, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। मैंने तुमको कबीले में गटका करते देखा है। तुम योद्धा जी के शिष्य हो ना, हमें बचाने आए हो ना। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं भी तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं यहाँ वापस जरूर आऊंगा आप सबकी रक्षा करने। और फिर मैंने उन सबके कपड़ों में मेंढक डाल दिया। अरे आपकी खत्म हो गई, और लीजिए।
हुकुम भूल गए क्या तुम सब? वीर सिंह की चीखें सबको सुनाई देनी चाहिए। उठो और मारो। तुम कौन हो तुम? जरा भी हिले तो जिंदगी भर के लिए हिल नहीं पाओगे। जनाब योद्धा जी, चलो हम यहां से बाहर चलते हैं। योद्धा जी, हमें उत्तर की दिशा की ओर निकलना होगा। चलो उत्तर की तरफ भागते हैं। रंजा अंत सिर्फ पाप का होता है, क्यों योद्धा जी? सही के गलत? सही। सरदार, आप ऑटो को बाहर निकालो, जाओ जल्दी जाओ। योद्धा जी, ये तुम क्या कर रहे हो? निकालो हमें यहां से। तुम सबको मरना होगा। वीर सिंह के लड़कों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अरे पापा, मुझे कुछ करना होगा, तो ये सबको जला देंगे।